सभी दोस्तों को मेरा राम राम, नमस्ते। तो आपको मैं आज बताऊंगी कि घी कैसे निकालना है मलाई से। और तो दोस्तों मैं बनाऊंगी, अब आज मेरा थोड़ा सा बीपी डाउन है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी बीपी डाउन है। इनफैक्ट आज मेरा बीपी है 109 और नीचे का है 80 से नीचे 69। हाँ, वैसे तो मेरा बीपी लो रहता ही है, बट थोड़ा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए मैं लूँगी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी से थोड़ा सही हो जाता है। गर्म पानी में कॉफ़ी पी लूँगी, ब्लैक कॉफ़ी, तो थोड़ा मेरा एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। कॉफ़ी मैं हमेशा सैशे में ही लेती हूँ क्योंकि इससे सूखती नहीं है कॉफ़ी, और इस कॉफ़ी ने तो मास्क भी पहना है। ये जब तक मेरी ब्लैक कॉफ़ी रेडी हो रही है तब तक मैं अपना ये मैंने मेरी ब्लैक कॉफ़ी करी सिक्योर और इसको डाला ड्रॉर में। मलाई मैंने इसमें निकाल ली है और ये मेरा ठंडा पानी, गर्मियों में ठंडा पानी चलता है और सर्दियों में थोड़ा कोसा पानी, और ये मैं इसमें ब्लेंडर से इसे ये ब्लेंड करूँगी। अभी रुको, हल्का सा मैंने पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें, पानी जब डालना है जब इसको ब्लेंड हम ग्राइंड हम कर लेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे मैं इसको किस तरह चलाती हूँ। झटपट मक्खन, अब इसको मुश्किल से 25 सेकंड हुए हैं, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें। तकरीबन एक ग्लास, देखिए मक्खन निकलना शुरू हो गया, ऊपर आ गया पानी डालते ही 30 सेकंड में ही। थोड़ा सा और डाल दूंगी, बस हो गया। तो मक्खन आ गया ऊपर, अब मैं इसको जितना खाना है इसमें डाल लूंगी, बाकी कढ़ाई में रख लूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मक्खन मैंने ज़्यादा तो नहीं है घी के लिए रख दिया है, सिम गैस पर, स्लो गैस पे आधा पौना घंटे में अपने आप मक्खन निकल जाएगा, है ना, पिघल पिघल के, तय तय के। और ये है 2 दिन के लिए खाने के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, खा लेंगे 2 दिन में चटनी के साथ, पराठों के साथ। और ये जो छाछ ही आप कह सकते हैं बचा हुआ निकलता है, इसको मैं कोशिश करती हूँ गर्मियों में पौधों में डालने के लिए, पौधे अच्छे हो जाते हैं इससे ना, एक नेचुरल खाद होती है पौधों के लिए। थोड़ा 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 सभी प्लांट्स में मैं डाल दूंगी, दिखाती हूँ। 1.5 घंटा 40 मिनट्स के अंदर ही घी निकल जाएगा, सिम पे छोड़ रखा है। अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने बस रखा ही है, कढ़ाई निकलना शुरू हो गया है, दिखाऊं, देख सकते हैं ये आने लग गया है, बट समय लगता है, 1.5 घंटा लगेगा। और अगर आप स्लो पे करेंगे तो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं घी, आराम से ऊपर आ जाएगा। ब्रेड मक्खन, मक्खन निकला नहीं है, देखिए मेरे हस्बैंड ब्रेड और मक्खन मांगने लगे हैं। ये घी निकल रहा है, ये तो मक्खन है ना आपके लिए, ब्रेड का ब्रेड ये शक्ल दिखा दूं आपकी? नहीं यार, मुझे मत दिखाना, कर पीछे से दिखा दूं। तो गाइस 1.5 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं मेरा घी भी आ गया है ऊपर, काफी घी निकल गया है। लाई गए ऐश्वर्या, ये घी आप छान सकते हैं आप किसी भी डब्बे में, जैसे हल्का सा ठंडा होता है। और ये हो गया है मेरा डिनर भी रेडी, मैं देने जा रही हूँ खाना सबको।
दोस्तों, अगर आपको मेरा मक्खन निकालना घी निकालने वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें एंड कमेंट्स करें, ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए बनाऊं। थैंक यू सो मच। मैं सबको खाना दे देती हूँ। बाय, गुड नाइट फ्रॉम माई साइड। बाय।